ये रही अपनी मारुति स्टेपनी टायर, मैंने निकाल दिया और स्टेपनी टायर में मैंने व्हाइट पेंट मार के रखा हुआ था। क्रैश शीशा कितना गंदा है, बड़ी मुश्किल से देख के निकल रहा हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से ऑयल फिल्टर इसमें चेंज कर लिया है, इंजन ऑयल डल रहा है। गाइस अपने साथ नहीं कांड हो गया, मैंने लाइट्स मंगाई हुई थी ना, टायर भी चेंज हो चुका है, तो अभी देखते हैं सेल्फ मारने वाला हूँ मैं, स्टार्ट होती कि नहीं होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है ऑफिस से। ऑफिस में बताया क्यों आया हुआ हूँ, क्योंकि सारे ना गए हुए हैं कुल्लू, इसीलिए आज आपका भाई बैठा है ऑफिस में। और अभी ऑफिस में बैठ के ही मैंने एडिटिंग वगैरह अपनी कंप्लीट कर रहा था, वो हो चुकी है। और जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था, नंता ने निकलना है चंडीगढ़, वो निकल चुकी है। और मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि कल हम लोग करने वाले हैं मारुति 800 को स्टार्ट। तो एक काम करते हैं ना, चलते हैं मारुति 800 को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले वीडियो अपलोड पे लगाइए, देखते हैं अपलोड होती है कि नहीं। और घर पे ना नेट काफी ज्यादा फास्ट चलता है, बट यहाँ पे स्लो चल रहा है अभी यार, ये बड़ी स्लो है, बहुत स्लो स्लो अपलोड हो रहा है। तो एक बार इसको अपलोड होने देते हैं, उसके बाद निकलते हैं और अपनी 800 को करते हैं स्टार्ट। बूम बूम। और यार गंगा आ गया। गंगा हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट आर यू ईटिंग? नो, इट्स एन एप्पल। या तेरे को सिर्फ एक ही लाइन आती है ना, चल सीखेगा आराम आराम से, सीखनी इंग्लिश चलते को इंग्लिश सिखाएंगे हम, ठीक है बढ़िया। तो यार गंगा को ना हम धीरे धीरे करके मतलब सिखा देंगे इंग्लिश, मतलब एक साल में सिखा देंगे हम ना। अब हमारे पास ही रहना है यहाँ पे ना, ठीक है भैया, यही रहेगा तो इंग्लिश सिखा देंगे हम तेरे को पूरी। तो यार गंगा को ना हम आराम आराम से मतलब एक साल के अंदर अंदर पूरी इंग्लिश सिखा देंगे, थोड़ा बड़ा तो सिखा दिया है। बाकी एक काम करते हैं ना, बातें कम करते हैं, अपलोड जैसे वीडियो होती है चलते हैं अपनी मारुति 800 को करते हैं स्टार्ट, वॉश वूश करते हैं और आज उसको ना मक्खन मतलब साफ सुथरी रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जिसके आपको मैंने बताया था हफ्ते में एक बार चलानी ही पड़ेगी वो, क्योंकि ऐसे रख रख के खराब हो रही है। तो एक काम करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आज की ब्यूटीफुल से डे की और ब्यूटीफुल से वीडियो की करते हैं शुरुआत, लेट्स गो। तो यार गंगा मेरे को बोलता है भी आपको कुछ दिखाता हूँ, यहाँ देखो ये फोटो है ना गैराज के पास, यहाँ पे फोटो लगा के रखी है सारे के सारे हम लोग। ये सूरज है, टिंकू है, करण है, जीजू है, भैया है और ये मैं हूँ, बढ़िया। तो यार ये रही अपनी मारुति स्टेपनी टायर, मैंने निकाल दिया और स्टेपनी टायर में मैंने व्हाइट पेंट मार के रखा हुआ था, तो स्टेपनी टायर मैंने निकाल दिया। सबसे पहले काम क्या करने वाला हूँ, टायर चेंज करने वाला हूँ मैं, ठीक है बैठ गया पूरा, उसके बाद बैटरी डाल के देखते स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। हाँ तो यार अभी ना एक सीन हो चुका है मेरे साथ, गाड़ी एक्चुअली मैंने ऐसी खड़ाई है कि एक साइड को बैठी हुई ना, तो मैंने जैक लगाया लेकिन जैक पूरा खोल दिया है मैंने, फिर भी टायर नहीं लग रहा है। पहले तो टायर पंचर था ना इसलिए निकल गया इजीली, बट अब क्या हो गया है ना, टायर मैंने लगाया हुआ है लेकिन गाड़ी साइड को बैंड इसलिए टायर फिट नहीं आ रहा है, मतलब जो अंदर बोल्ट्स होते हैं ना चार उसमें हुक आ नहीं रहा है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने जो पुंटो का अपनी डेविल का जैक भी निकाल दिया है और वहाँ पे पत्थर के ऊपर उस जैक को निकाल के थोड़ा सा और ऊंचा करने वाला हूँ, तो डबल जैक हो जाएगा वहाँ पे, देखते अगर ये काम आया तो ठीक है, अदरवाइज कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करूँगा। तो यार अभी ना मैं अपनी मारुति को स्टार्ट कर रहा था और आपके भाई का पार्सल भी आ गया, मैंने आपको बताया था ना लाइट्स वगैरह मंगाई हुई घर के लिए, तो एक डब्बा पहले आया था, एक डब्बा और आया हुआ है अभी। तो यार एक काम करते हैं, सबसे पहले जो अपना पार्सल आया हुआ है इसको अनबॉक्स करते और देखते हैं लाइट्स कैसी आई हुई इसमें ना। गाइस अपने साथ नहीं कांड हो गया, मैंने लाइट्स मंगाई हुई थी ना, पेयर ऑफ टू था, मतलब एक में पेयर ऑफ टू था ये, बट ये सिर्फ दो ही आई हुई है, मैंने दो सेट मंगाए हुए थे तो चार होनी चाहिए थी, बट दो ही आई है, एक ये है और एक ये, और पेमेंट मैंने पूरे की हुई है चारों की। तो अभी देखते भाई को मैंने जिन्होंने डिलीवरी दी है ना उनको फोन किया था, मैंने कहा शायद से एक और डब्बा तो नहीं रह गया वहाँ पे, वो कह रहे चेक करना पड़ेगा, वैसे तो एक ही डब्बा आएगा, तो या फिर मेरे को रिटर्न करनी पड़ेगी अमेजोन पे या फिर वहाँ पे कंप्लेंट करनी पड़ेगी कि दो और भेजो। अभी देखते हैं, इसको मैंने इसको पैक करके रख देता हूँ और गाड़ी करते हैं, ठीक। तो गाइस आप देख सकते हो अपना टायर ऊपर आ गया, ये वाला जो जैक है ना मारुति का पहले ही फ्री हो गया और मैंने पत्थर लगा दिया था उसके ऊपर ये जैक लगाया, और वैसे भी पुंटो का जो जैक ने काफी ज्यादा मतलब ऊंचा है, ये छोटा था 800 का, तो अभी टायर कर लेते हैं चेंज। तो गाइस एक और कलोल हो चुकी है, जो मैंने स्टेपनी टायर लगाया था ना वो भी बैठा हुआ है, उस टाइम पे पता नहीं चल रहा था, ठीक है ठीक लग रहा था, बट जैसी गाड़ी का वेट आया ना एक साइड को पूरा बैठ गया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो स्टेपनी टायर है उसमें थोड़ी सी हवा तो है हल्की सी ना, पहले वाला तो पूरा ही बैठा उसमें तो हवा भी नहीं भरी जा रही थी, तो अभी इलेक्ट्रिक पंप ले जा रहा हूँ, तो उस स्टेपनी टायर में पुंटो से हवा डालूंगा इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू। तो यार मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना, पहले मैं जो पहले टायर लगा हुआ था उसमें भर के देख रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे वेट पड़ा हुआ था ना, अभी वेट नहीं था, अभी इसमें भर गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज स्टेपनी टायर को लाना पड़ेगा मेरे को। यहाँ गाइस हवा ना फिल हो रही है, जीरो से 10 पहुँच गया, इसको अराउंड में 20-25 तक करूँगा फिर बंद कर दूंगा। और तो यार 22 PSI हो गई है, बंद कर देते हैं। बैटरी लग चुकी है, टायर भी चेंज हो चुका है, तो अभी देखते हैं सेल्फ मारने वाला हूँ मैं, स्टार्ट होती कि नहीं होती है। यार मारुति तो कर दी मैंने स्टार्ट, और आपको दिख रहा है शीशा कितना गंदा है, बड़ी मुश्किल से देख के निकल रहा हूँ मैं। और सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ इसको मैकेनिक के पास ले जाऊंगा, उसके बाद वॉश करेंगे जाके। सेल्फ तो उठा रही है, मतलब ये ना आधे सेल्फ में स्टार्ट हो गई थी, उस टाइम पे बैटरी हल्की सी ड्रेन थी लेकिन आधे सेल्फ में स्टार्ट हो गई थी जैसे ही मैंने वो लगाया ना डेविल, एक्चुअली मैंने डेविल से इसको वो लगा जंप स्टार्ट किया है, एक आधे सेल्फ में स्टार्ट हो गई थी,
तो अभी सबसे पहले मैकेनिक के पास चलते हैं। फिर अभी ना मैं विदु भाई के पास आ गया हूं। एक्चुअली क्या करते हैं, आगे मेरे को ना कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो अभी के लिए पानी मारता हूं, मैकेनिक के पास जाता हूं, फिर आके अच्छे से वॉश करनी पड़ेगी क्योंकि सब जगह आप देख सकते हो चिपक गई है मिट्टी बुरे हाल से। यार अभी ना एक चीज हो गई है, एक सीन हो चुका है, इसमें ना ऑयल फिल्टर फंस गया, इसका निकल नहीं रहा है। मारुति 800 में ऑयल फिल्टर निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो अभी देख रहे हैं जुगाड़ कर रहे निकालने का कुछ। और सारा का सारा इंजन ऑयल इसका ना ड्रेन करने वाले हैं, नीचे हमने वो रख दिया है, निकल रहा है। तो यार हम लोगों ने ना बड़ी मुश्किल से ऑयल फिल्टर इसमें चेंज कर लिया है, इंजन ऑयल डल रहा है, बाकी ब्रेक ऑयल वगैरह भी चेक कर लिया। ब्रेक ऑयल अभी रिसेंटली पहले डाला हुआ था मैंने, ब्रेक ऑयल है इसमें, कूलेंट भी इसके अंदर है, एक बार देखते हैं कूलेंट था इसमें। यार यस कूलेंट डाला हुआ था मैंने, चौथे ही डाला था इसमें कूलेंट, बस इंजन ऑयल टॉप अप हो रहा है इसमें। और इसके बाद जाके सबसे पहले मैं एयर डलवाने वाला हूँ टायर में, पंचर नहीं था यार, खड़े खड़े बैठ गया था, चारों के चारों टायरों में मैं हवा डलवाने वाला हूँ, उसके बाद जाएंगे वॉश करने, अच्छे से वॉश करके रखेंगे इसको। और आई प्रॉमिस यार मैं इसको हफ्ते में एक ना एक बार तो चलाऊंगा। तो गाइस गाड़ी अपनी हो चुकी है फुल सर्विस्ड, अभी स्टार्ट रखी हुई है, और अभी काम करते हैं पेट्रोल पंप चलते हैं, हवा प्रेशर वगैरह इसमें ठीक करवाते हैं, फिर वॉश करवा के चलते हैं। और टाइम काफ़ी हो गया, आपके भाई ने लंच ही नहीं किया, 4:31 लंच भी करते जाके। यार वैसे ना मेरे को गाड़ी वॉश करवानी थी, लेकिन विदु भाई के पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी गाड़ी लगी हुई है, और आपके भाई ने लंच नहीं किया है, तो सबसे पहले जाने वाला हूँ मैं घर, खाना खाने वाला हूँ। मैंने उनको वही बोला, मैं कहा मैंने काम करता हूँ, खाना खा के आता हूँ, फिर देखते फिर वॉश करवा लेंगे, अगर टाइम लगता है वॉश कराने का भी तो ठीक है, अदरवाइज ऊपर ऑफिस के पास खुद ही धो लेंगे बाहर बाहर से, अंदर से तो वैसे साफ ही है, क्योंकि लास्ट टाइम ना मैंने वॉश करके ही रखी थी, पॉलिश भी मरवाया हुआ था अंदर से, इसीलिए अंदर से ज़्यादा गंदी नहीं है, बाहर से ही गंदी थी, तो अंदर से हल्का सा कपड़ा मारने की देर है, बाकी तो साफ़ है ये, तो बाहर से ऊपर भी वॉश कर सकता हूँ मैं। बाकी बहुत भूख लग रही है मेरे को अब यार, और ये बहुत कम्फर्टेबल है भाई, 800 चलाने में सच में मज़ा आता है बताए। यार मनाली में ना टूरिस्ट आना स्टार्ट हो गया, बहुत ट्रैफिक है वशिष में, जिसके आप यहाँ देख सकते हो, पीछे भी पार्किंग ज़रा फुल है, आगे भी पार्किंग फुल है भाई, मतलब दिवाली के बाद ना एकदम ही क्राउड आ गया, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकदम इतना ज़्यादा आएगा। तो यार अभी गाड़ी वगैरह पार्क कर दी है मैंने नीचे ना, तो अभी निकल रहा हूँ मैं घर को, लंच वगैरह करते, ऑफिस आ गया था बैग लेने के लिए क्योंकि एडिटिंग सुबह यहीं पे कर रहा था, तो घर चलते हैं, पहले सबसे पहले लंच करते हैं, उसके बाद के सीन्स बाद में देखेंगे, पेट पूजा पहले, बाकी काम बाद में। घर से ना खाना वगैरह खा के मैं आ गया था अभी, हम आगे हेल्प कर रहा था एक्चुअली दुकान वगैरह बंद करने में, इसलिए लेट हो गया था। बाकी यार अभी ना मैंने मारुति स्टार्ट कर दी, उस टाइम सेल्फ नहीं उठा रही थी, पता नहीं क्या अभी मैंने बंद करके घर से वापस आया मैंने, और एकदम ही सेल्फ उठा दी इसने, तो मैंने स्टार्ट रखे 10-15 मिनट से लेके, लेकिन एक सीन हो गया यहाँ पे, मैंने वाइट वाले बल्ब लगाए थे, इसमें ना उस साइड का उड़ गया है, पता नहीं क्या हो गया है, और वो देखो ना येलो कलर का हो गया, वो ये वाइट है वो येलो है, बल्ब भी चेंज करने पड़ेंगे इसमें, और वॉशिंग का देखते कल वॉश करवाएंगे। और अभी देखता हूँ यार पापा को बोलना पड़ेगा बीच बीच में कि इसको चला लिया करो, क्योंकि मैं तो अगर मैं नहीं चला पाया तो हफ्ते में एक बार तो चलनी चाहिए गाड़ी, अदरवाइज खराब हो जाएगी, मतलब फायदा नहीं यार बार बार इसमें पैसे लगाते रहते और ऐसे खड़ी रहती फिर खराब हो जाती, तो बेटर है कि पैसा लगाया हुआ है अभी, इतना पैसा अगर लगा है इसमें तो चलाते रहो इसको बीच बीच में, तो कल वॉश करके रखेंगे। म्यूजिक सिस्टम इसमें मैंने निकाल के रखा था, पहले था इसमें म्यूजिक सिस्टम, आगे का जो स्टीरियो है ना वो मैंने निकाल के रखा है, तो वो भी डालना पड़ेगा कल। एक बार चलते हैं अंदर, अंदर से तो गाड़ी ठीक है, बस म्यूजिक सिस्टम ना इसमें मैंने निकाल के रखा था, फ्यूल अप मैंने गाड़ी कर दी थी, म्यूजिक सिस्टम मैंने निकाला था वो डालना पड़ेगा इसमें ना, इसका वाला जो म्यूजिक सिस्टम है वो पड़ा हुआ है मेरे पास, अंदर ही पड़ा है ऑफिस में रखा है, वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा इस पे, कि गाने वगैरह तो बढ़िया बजते हैं इसमें, और मैं इसमें ये भी रख दिया था एयर प्योरीफायर, अंदर से तो गाड़ी साफ है, ज़्यादा गंदी नहीं है, और इंजन का साउंड सुन रहे हो बिल्कुल स्मूथ है, तो अभी काफ़ी स्टार्ट हो गया, अब देखते हैं एक बार बंद करके स्टार्ट हो रही कि नहीं हो रही है, बंद कर दी, सेंसर चलने देते हैं, बढ़िया बड़े सेल्फ उठा रही है, ओपी गाइस अपनी मारुति बढ़िया हो गई। और तो यार जैसे कि आपको दिख रहा होगा ना अभी आपका भाई आ चुका है जिप्सी में, एक्चुअली मैं सोच ही रहा था मेरे को ना बांग जाना था, बांग क्यों जाना है, जो पार्सल आया हुआ था ना, ये जो डब्बा आया हुआ था लाइट्स आई हुई थी, ये सिर्फ 2 आई हुई थी ठीक है, जबकि 4 आनी चाहिए थी, और पेमेंट मेरी 4 की हुई है, लेकिन मैंने कस्टमर केयर में भी कॉल किया था, फिर जो डिलीवरी वाला बंदा था उसको भी किया था कॉल, तो वो कह रहा था भाई काम करना आप ये जो पार्सल है जो लाइट्स आई हुई है इसको लेके ना ऑफिस चले जाना, तो उनका ऑफिस बांग में ही है, तो वहाँ पे पता नहीं स्कैन वगैरह करेंगे वो क्या करेंगे, या फिर क्या पता और भी एक और डब्बा हो वैसा मेरा वहाँ पे, तो 8 बजे तक ऑफिस होता है उनका, अभी 6:30 हुआ है, तो लली वगैरह जा ही रहे थे, तो मैंने कहा काम करो तुम जा ही रहे हो तो मैं भी साथ में चलता हूँ, अकेला निकलने वाला था अदरवाइज मैं, तो अभी ना बनू जा रहा है साथ में एक क्लीन शेव, करण जा रहा है, लली जा रहा है, और जिप्सी जा रही है साथ में। और इसके बाद के प्लान्स ये है, हम लोगों को बाइक्स ड्रॉप करनी है नीचे रांगड़ी वाले ऑफिस में, करण कितनी 26 अच्छा तो 20 टोटल जो बाइक्स है वो 27 है, और यहाँ नीचे ऑफिस में भी बाइक्स है ना, और 9 बाइक्स यहाँ से ले जानी, उसका मतलब है 2 राउंड्स लगाने पड़ेंगे हमको ऊपर नीचे, और साथ में एक गाड़ी भी जाएगी। कि भाई का ना कट चुका है बताया, मैंने लाइट्स की थी 4 ऑर्डर ना, लेकिन अमेजोन उन्होंने मतलब 2 ही लाइट्स भेजी हुई है का,
तो कह रहे फिर से आप एक बार कॉल करो। वैसे मैंने कॉल तो किया था, कहते रिफंड हो जाएगा या कुछ करेंगे, फिर भी उन्होंने कहा था एक बार आप नियर बाय जो स्टोर है वहाँ जाके पता कर लो। ये कह रहे हैं कि कस्टमर केयर में कॉल कर लो, वो आपको नया प्रोडक्ट भेज देंगे या फिर रिफंड कर लेंगे। मतलब मैंने चार लाइट्स मंगाई हुई थी, पेमेंट उन्होंने चारों की ली हुई है और लाइट दो ही भेजी हुई है। ऐसा थोड़ी ना होता यार। यार अभी ना हम लोग भांग से तो आगे है, बाकी यार मेरे को समझ में नहीं आया ये लोग क्यों गए थे भांग। मतलब कहते काम है, कुछ जाना है और नहरकुंड ब्रिज तक गए, ब्रिज के आगे गए ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे गाड़ी मोड़ी वापस आ गए वहाँ से। मैंने कहा भाई ये क्या लॉजिक था, लेकिन चलो मैंने कहा मेरा काम तो हो गया, ये लोग गेड़ी मारने के लिए ऐसे ही गए हुए थे, इसी बहाने ना मेरा काम तो हो गया। और मेरे पार्सल का मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, ये कुछ इस तरह से डब्बा है ठीक है, इसके अंदर सिर्फ दो लाइट्स है जबकि मैंने चार लाइट्स मंगाई हुई थी ना, और इन्होंने सिर्फ इतना सा डब्बा भेजा है। और जब भाई पेमेंट लेने के लिए आए ना उस टाइम उन्होंने चारों की पेमेंट मेरे से ली हुई है, तो मैंने पेमेंट तो चारों की कर दी थी, लेकिन फिर वो कहते हैं शायद से एक डब्बा और होगा, वहाँ ऑफिस में जाके चेक करना। ऑफिस में वो कहते हैं कि भाई हो ही नहीं सकता क्योंकि स्टिकर सिर्फ एक ही में लगा हुआ है, या फिर अगर चार होती तो बड़े डब्बे में आती है। उन्होंने मेरे को एक ही ऑप्शन दिया, कहते आप एक बार कस्टमर केयर में कॉल करो। कस्टमर केयर में मैंने कॉल किया हुआ था, उन्होंने मेरे को ये बोला कि सर टेंशन मत लो आप, या फिर हम आपको रिफंड कर देंगे या फिर से हम यही लाइट आपको भेज देंगे दो। और उन्होंने ये कहा था एंड में कि फिर भी एक काम करना, आप जो नियर बाय आपका शॉप है इनकी ठीक है डिलीवरी वालों की, वहां जाके चेक कर लेना। तो मैंने चेक कर लिया है, तो कल फिर से एक बार कॉल करूंगा उसमें जाके। और तो क्या यार मेरे को मतलब था नहीं ज्यादा महंगी लाइटें है नहीं, 600-700 रुपए की लाइट है ठीक है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि टाइम लगेगा क्योंकि मेरे इलेक्ट्रिशियंस ने आना है, फिटिंग वगैरह करनी है, तो 4-5 दिन लगते हैं मनाली पहुंचने में। 4-5 दिन पहले मैंने ये लाइटें ऑर्डर की हुई थी, तो अब 4-5 दिन और वेट करना पड़ेगा मेरे को। तो वही चीज़ है, बाकी पैसे का तो कुछ नहीं था, बाकी सिर्फ टाइम का है मेन इशू मेरे को ना। मार्केट में महंगी मिल रही है, मतलब जो यहाँ पे वहाँ पे अमेजोन में मिल रही थी मेरे को 800 रुपये की, वही लाइट यहाँ पे 1700-1800 रुपये की मिल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, खरीद लूँगा क्योंकि जल्दी मिल जाएगी। अगर मैं अमेजोन में ऑर्डर करने बैठ गया ना भाई बहुत टाइम लगने वाला है। तो दो लाइट्स तो मेरी आ गई है ठीक है, बाकी एक रह गई जो अप डाउन लाइट मैंने मंगाई है ना बाहर वॉल के लिए, वो भी कल दिखा रहा है कि कल पहुंच जाएगी वो, तो देखते हैं। वो तो दो ही मंगाई मैंने, कहा ऐसा ना वो भी एक ही आए। तो अभी के सीन्स ऐसे है ना, यहाँ से हम लोगों को निकलना है नीचे रंगड़ी ऑफिस, जिसके आपको बताया था मैंने बाइक्स वगैरह ड्रॉप करनी है। तो अभी देखते हैं किस में जाना है, क्योंकि एक गाड़ी तो हमको ले जानी पड़ेगी, क्योंकि सारी अगर बाइक लेके चले गए नीचे को ऊपर कैसे आएंगे, तो एक गाड़ी तो चाहिए नीचे जाने के लिए। तो अभी देखते हैं कैसे निकलना है। तो गाइस अभी के सीन्स ऐसे है, बाकी लोग निकल चुके हैं बाइक्स में और मैं जा रहा हूँ गाड़ी में। और आपको पता है क्या, गाड़ी निकालने में ना मेरे को कम से कम 10-15 मिनट लग गए। उसका रीजन पता है क्या, क्यों इतना टाइम लगा मेरे को, क्योंकि ना बंदों ने मतलब गाड़ी आधा आधा इंच में आगे भी लगाई थी पीछे भी लगाई थी, मैंने कम से कम 25-30 बार आगे पीछे करके निकाल दी। लेकिन आज मैं सोच ही रहा था, मैंने कहा अगर आज मैंने गाड़ी निकाल दी ना यहाँ से भाई, मतलब मेरी ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगी और पास हो गया उसमें मैं। एक मतलब 1% भी टच नहीं हुई गाड़ी और मैंने निकाल दी 25-30 बार आगे पीछे करके ना निकल गई गाड़ी। यार अभी ना मॉल रोड आए हुए हम लोग ठीक है, टिंकू को लेने के लिए जा रहे हैं यहाँ ऊपर, और भाई ट्रैफिक देख रहे हो पूरे हाल से, पीछे तक लाइन लगी है। मैंने आपको बोला दिवाली के बाद हर कुछ ही क्राउड आया हुआ है और सारे बैठ गए गाड़ी में, तो हेलमेट लगा के बैठा हुआ है। ये हमारा क्लीन शेव वाला भाऊ छोटा सा है ना भाई, क्लीन शेव करके बैठा हुआ है। तो अभी टिंकू को लेने के लिए जा रहे हो ट्रैफिक बुरे हाल से। यहाँ टिंकू भी आ गया है और यहाँ देखो गोद में बैठ गया है अपनी डार्लिंग के गोद में, सारे अपने अपने हेलमेट लेके आए ना। बढ़िया। तो यार अभी ना हम लोग ऑफिस पहुंच चुके हैं बाइक्स, मतलब हम लोगों ने 3 राउंड मारे नीचे के, 3 राउंड मारे और बाइक्स हमने सारी की सारी नीचे ड्रॉप कर दी है। बाकी अभी के सीन्स ऐसे है ना, ये जो पार्सल आया हुआ इसको तो घर लेके ही जाना पड़ेगा। मतलब ये वाली लाइट ठीक है, ये दो ना दो और देखता हूँ जिसके आपको मैंने बताया मार्केट से ही लेनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रीशियन को बोला हुआ है वैसे मैंने कल आने के लिए, अगर कल आए तो वेल एंड गुड, तो कल सुबह जाके ले लूँगा, अदरवाइज परसों वैसे बोल रहे थे कि भैया कल ट्राई करेंगे, कल नहीं तो परसों, तो 100% श्योर हम आ ही जाएंगे। तो अभी के सीन्स ऐसे यहाँ से चलते हैं घर को, और मिश्का भी आ गई यहाँ पे मेरे पास, इसको भी घर लेके जाना है। और आई होप आज की जो ये वीडियो है ना आप लोगों को पसंद आई होगी। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि मारुति 800 में चलाने वाला हूँ हफ्ते में एक बार, मैं नहीं चलाऊंगा तो घर पे किसी को बोल दूंगा यार कि चला लिया करो इसको, कि तभी ठीक रहेगी वो। बाकी अभी चलते हैं यहाँ से घर को, और आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल के एक फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।